क्या क्या है सो दैट थ्री मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको हमको दिखाना है कि तीनों मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे करूँगा देखो, पहले जो करना है कंसीडर, ये हर एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके ज़ीरो लिखना है। इसका मतलब के ऑन इन टू क्या है 1 2 3 1 2 3 3 2 4 1 3 2 प्लस के टू इन टू सेकेंड मैट्रिक्स के टू इन टू 2 1 3 3 4 2 2 2 1 प्लस थर्ड मैट्रिक्स के थ्री इन टू कॉन्स्टेंट 0 0 3 0 3 3 3 0 6 0 4 3 ओके इजिकल्स टू जीरो लिखना है। अब हमको देखना है इन जो तीनों कांस्टेंट है इसके वाले जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो तीनों मैट्रिक्स ये तीनों मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब के ऑन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है के ऑन 2 के ऑन 3 के ऑन इधर क्या होगा 3 के ऑन 2 के ऑन 4 के ऑन एवर के ऑन इन टू 3 के ऑन 3 के ऑन 3 के ऑन 2 के ऑन ओके प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है के टू के साथ 2 के टू प्लस 3 के टू ये फिर क्या 3 के टू 4 के टू 2 के टू 3 के टू 4 के टू सॉरी प्लस नहीं लिखना है 2 के टू 2 के टू और 2 के टू 2 के टू के टू अब इसका भी वैल्यू के थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स को तो फिर क्या होगा 0 3 के 3 3 के 3 या फिर क्या होगा 3 के 3 0 6 के 3 या फिर क्या होगा 0 4 के 3 3 के 3 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 0 क्या है नल वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब 0 वेक्टर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 सेम ऑर्डर पे। अगर मैट्रिक्स क्या है 3x3 इसका मतलब 3x3 नल वेक्टर होगा। हो गया। अब देखो इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करूँगा ए के ऑन प्लस 2 के ऑन प्लस 3 के ऑन प्लस 2 के 2 प्लस के 2 प्लस 3 के 2 प्लस 0 प्लस 3 के 3 प्लस 3 के 3 इसके साथ हर एक रो को ऐड करना है। तो ऐड करूँगा तो सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा पहले का वैल्यू आएगा 2C2। अगर इस तरह से हर एक रो को ऐड करूँगा पहले रो को तो क्या आ जाएगा के ऑन प्लस 2 के 2 सेकेंड रो को अगर 3 के ऑन प्लस 2 के ऑन प्लस 4 के ऑन प्लस 4 3 के 2 प्लस 4 के 2 प्लस 2 के 2 प्लस 3 के 2 3 के 3 प्लस 6 के 3 इसको अगर ऐड करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ऐड करके सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 के ऑन प्लस के 2 प्लस 3 के 3 और थर्ड। अब इसको ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा ऐड करके सिंप्लीफाई करूँगा तो के ऑन प्लस के 2 प्लस के 3 ओके। तुम खुद के साथ ऐड कर लेना फिर सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आ जाएगा, ठीक है। इजिकल्स टू नल वेक्टर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ओके। अब के ऑन प्लस 2 के 2 इजिकल्स टू 0 सिंप्लीफाई करना है के ऑन प्लस 2 के 2 इजिकल्स टू 0 2 के ऑन प्लस के 2 प्लस 3 के 3 इक्वल्स टू 0 प्लस के ऑन प्लस के 2 प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 के ऑन प्लस के 2 प्लस के 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले इक्वेशन पे देखो यहाँ पर के ऑन का वैल्यू क्या है के ऑन इक्वल्स टू माइनस 2 के 2 अब इसको पुट कर दो के ऑन का वैल्यू माइनस 2 के 2 प्लस 3 इस इक्वेशन पे पुट कर दो इसका वैल्यू प्लस के 2 प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 के 2 प्लस 2 के 2 इसका मतलब माइनस के 2 तो फिर माइनस के 2 प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 तो फिर क्या होगा के 3 इक्वल्स टू के 2, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा इस इक्वेशन पे पुट करके तो इसका वैल्यू क्या आएगा के 2 इक्वल्स टू के 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका वैल्यू एन के 2 एन के 3 तो फिर यहाँ पर अगर पुट कर दूँगा इस इक्वेशन पर तो फिर के ऑन का वैल्यू निकल जाएगा 2 के ऑन प्लस के 2 के 2 वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 के 3 के 3 का वैल्यू क्या है 1
इसका मतलब 3 × 1 = 0, 2k1 = -4, तो फिर के वन का वैल्यू क्या है, -2। यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट है के वन के टू के थ्री, यहाँ इसका वैल्यू जीरो नहीं है। के वन का वैल्यू क्या है, -2, के टू का वैल्यू क्या है, 1, के थ्री का वैल्यू है 1, इसका मतलब जीरो नहीं है। जीरो होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, जीरो नहीं होगा तो डिपेंडेंट। तो फिर जो x1 x2 x3 तीनों मैट्रिक्स गिवन था, इन तीनों मैट्रिक्स एक है लीनियरली डिपेंडेंट, ये प्रूव हो गया। इसका जो कांस्टेंट इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा तो लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट। यहाँ पर जीरो नहीं है, इसका मतलब इन जो तीनों मैट्रिक्स लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो भाई। थैंक यू।